आप सबको मालूम है कि कुछ पिछले 16 या 17 दिन से किसान आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन कर रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो डाला था, इसमें मैंने आपको पूरा बताया था कि किसान जो 3 किसान बिल आए हैं उन पे क्या लिखा है, क्या किसानों की समस्याएं हैं, शंकाएं हैं, उनके सुझाव क्या हैं और सरकार क्या कर सकती है, वो सब मैं आपको उस वीडियो में बता चुका था। लेकिन अभी पिछले 16-17 दिन से आप देख रहे हैं लगातार किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है। जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो राजनीति कर रही हैं, किसानों के नाम पे, किसानों के कंधे पे रख के बंदूक चलाने की कोशिश की जा रही है। तो आपको मैं बता दूंगा इस बिल में ऐसा, इस बिल में एक्चुअली में है क्या बिल, वो तो मैं आप सबको पहले बता चुका हूँ, लेकिन किसान की जो शंकाएं हैं, किसान जो भी जिन मुद्दों पे बहस कर रहा है क्या है वो। पहला, ये किसान कह रहा है कि बिल को जो है वापस ले लिया जाए, लेकिन सरकार कह रही है कि आपको कोई आपत्ति है इस बिल में, कोई आपत्ति है, आपको कोई डाउट है तो उसे जो है उसका संशोधन किया जाएगा। किसान ये मांग के किसानों की मार रही है सरकार। किसानों का दूसरा मुद्दा ये है कि दूसरा शंका ये है, उनको ये डाउट है, आपत्ति है, उनको कह रहे हैं कि जो MSP है वो नहीं मिल रही है, जो पहले MSP मिलती थी वो रेट नहीं मिल रहा है, नहीं मिलेगा भी। लेकिन किसान सरकार कह रही है कि हम लिखित रिटर्न में अश्योरेंस देंगे कि जो MSP है वो समाप्त नहीं होगी। दूसरा, जो तीसरा मुद्दा है किसानों का, वो कह रहे हैं कि APMC मतलब जो मंडियां हैं वो खत्म हो जाएंगी, लेकिन सरकार कह रही है कि मंडियां समाप्त नहीं होंगी, जैसे मंडियां पहले चल रही थी सेम वैसे ही चलती रहेंगी, इसका भी हम रिटर्न में आपको अश्योरेंस देते हैं कि मंडियां खत्म नहीं होंगी। अगला, जो किसानों का जो डाउट है उनको आपत्ति हो, कह रहे हैं कि जो प्राइवेट मंडियां हैं इन पर टैक्स नहीं है। सरकार कह रही है जो प्राइवेट मंडियां आएंगी उनका पहले रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, वो टैक्स लिया जाएगा उनसे, टैक्स देंगी वो, टैक्स भी वसूल किया जाएगा उनसे। फिर किसान को अगला डाउट ये है कि वो कह रहा है कि जो भी वो एग्रीमेंट है उसमें जो हमारी जमीन बिक जाएगी, लेकिन सरकार कह रही है कि आपकी जमीन नहीं बिकने देंगे, जमीन नहीं बिकेगी, जो एग्रीमेंट है एग्रीमेंट सिर्फ फसल का होगा, जमीन का कोई भी एग्रीमेंट नहीं होगा, ये बिल में लिखा हुआ है, उस पर आप आश्वस्त रहिए। अगला किसान कह रहा है कि भाई सिविल कोर्ट जाने का प्रावधान नहीं है, अगर कोई ऐसा मुद्दा होता है, बहस हो जाती है, कोई इंसिडेंट होता है तो हमें सिविल कोर्ट जाने की इसमें दिया नहीं है कि हम सिविल कोर्ट नहीं जा सकते। सरकार कह रही है कि आप, हम आपको रिटर्न में देते हैं, लिख के देते हैं, लिखित आश्वासन दिया जाएगा किसानों को कि आपको जो है सिविल कोर्ट जाने की जो प्रावधान दिया जाएगा, सिविल कोर्ट आप जा सकते हैं, वो हम रिटर्न में आपको दे देंगे। और सरकार ही उसके साथ ये भी कह रही है कि हम जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने से क्या है कि इस जो भी मसले होंगे, जो भी कोर्ट केस होगा, वो जल्दी समाप्त किया जाएगा, जल्द जल्द उसका फैसला आएगा। लेकिन किसान जो है फिर भी कह रहा है कि हमें जो आपका जो आप जो ये प्रस्ताव दे रहे हैं, जो आप बता रहे हैं, हमें ये मंजूर नहीं है। तो इस पर सरकार कह रही है किसानों के, भाई इन जो मुद्दे हैं आपने बताए हैं इनके अलावा और कोई आपत्ति आप बताइए, उसका भी समाधान किया जाएगा। लेकिन किसान फिर भी अड़े हुए हैं, किसान कह रहे हैं कि नहीं भाई आप जो है बिल को वापस ले लीजिए, लेकिन सरकार कह रही है बिल तो वापस नहीं होगा, लेकिन संशोधन करने के लिए हम तैयार हैं, जो आपको आपत्ति हैं, समस्याएं हमें बताइए, हमारे पास लेके आइए, उसका हम संशोधन जरूर करेंगे। तो दोस्तों, मुझे कहीं लगता है कहीं ना कहीं इसमें विपक्षी पार्टियां जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं किसानों के ऊपर, किसानों के नाम पे, किसान बल्कि जो खुद वीडियोस में आप देख रहे होंगे, न्यूज चैनल्स में सब बता रहे हैं किसानों के ऊपर, किसान खुद कह रहे हैं कि भाई हमें आप लोगों की राजनीतिक पार्टियों का साथ नहीं चाहिए, हमें बल्कि हमारी जो समस्याएं हैं उनका समाधान चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां किसानों के नाम पर राजनीति कर रही हैं और इस आंदोलन को बढ़ा रही हैं, उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि भाई किसानों के नाम पर ऐसे तो हम वोट नहीं मिल रहे, नहीं जीत पा रहे हैं, लेकिन किसानों के नाम पर हमें वोट मिलेंगे तो हम अवश्य जीत सकते हैं। फिर भी आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।